हाँ चल फटाफट अपडेट दे, क्या चल रहा है? बॉस मैं देख नहीं पाया आलिया उस घर में थी या नहीं। What? इस बात का क्या मतलब है कि आलिया तेरे को दिखी नहीं? बॉस मैं वहां गया तो था लेकिन वहां पहले से ही पुलिस वाला खड़ा था। पता नहीं कि पुलिस वाले को किसने बुलाया, क्यों बुलाया, लेकिन पुलिस वाला ठीक दरवाजे के सामने खड़ा था और मुझे लगता है कि वो सिक्योरिटी रीजन से पुलिस वाले को उन्होंने बुलाया होगा और शायद उन्हें शक हो गया है कि उनके साथ कुछ गलत हो सकता है। अरे नहीं, उन्हें शक नहीं हो सकता। समझ रहा है, मेरा प्लान ना फुल प्रूफ प्लान है, मैं नहीं पकड़ा जा सकता। और कैसा गुंडा है बे? पुलिस को देख के वहां से घबरा गया। अबे दरवाजे पे पुलिस खड़ी थी ना, तो कोई दूसरा रास्ता ढूंढता, लेकिन आलिया को उठाना वहां से बहुत इंपॉर्टेंट है। तुझे पता है ना आलिया मेरे लिए कितना बड़ा सरदर्द है। कुछ भी कर, ऑप्शन नहीं है, उसे उठा वहां से। जो काम अधूरा छोड़ के आया ना उसे पूरा कर, जाके आलिया को किडनैप कर। सॉरी बॉस, अगर आप रिस्क नहीं ले सकते तो मैं भी अपने जान पे रिस्क नहीं ले सकता। मुझे जेल नहीं जाना, वहां पुलिस वाला ठीक दरवाजे के सामने खड़ा था और पुलिस वाले के होते हुए वहां से मैं किसी को भी किडनैप नहीं कर सकता, मैं बुरा फंस जाऊंगा। अबे सुन सुन सुन, तू पुलिस की टेंशन मत ले, समझा? अगर कुछ गड़बड़ हुई ना तो मैं संभाल लूंगा। और पुलिस ना वहां बाय फ्लू का ही है, तू समझ रहा है? अबे वो चौकीदार नहीं रख सकते, पुलिस बुलाएंगे तो पागल हो गया क्या? सॉरी बॉस, मैं नहीं जाऊंगा। मैं समझ गया समझ गया समझ गया। मुझे और पैसे चाहिए ना? जितने पैसे दे रहा हूं ना उसके डबल पैसे दूंगा, जाके काम खत्म कर। बॉस पैसे से बड़ी होती है लाइफ, और मैं फिर से जेल में नहीं सड़ना चाहता। अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गया समझ गया समझ गया। सुन तेरा ना ज्ञान मैंने बहुत सुन लिया, तू मेरी बात सुन। तेरा एड्रेस है मेरे पास, समझा? मैं पुलिस को ना फोन करके तेरे घर पे भेज दूंगा। और तू वैसे भी ना पुलिस की वांटेड लिस्ट में है, ऐसे नहीं फंसेगा तो वैसे फंसेगा, समझा? जा जाके काम पूरा कर और मुझे बता। मैंने ये डील करके ना बहुत बड़ी गलती कर दी, मैं पता नहीं कैसे आपके चक्कर में फंस गया। मुझे अगर पहले पता होता ना तो मैं ये डील कभी करता ही नहीं। थैंक यू, मुझे अच्छा लगा आपने मेरी तारीफ करी। अब जा, जाके काम कंप्लीट कर, दैट्स एन ऑर्डर। और काम खत्म करके ही मुझे फोन करना, समझा तू? चल लग जा काम पे। ओह गॉड, और उन्हें अपना हाथ में भेजा है आलिया को किडनैप करने के लिए। अब मैं क्या करूं? मैं उसे फोन करके अलर्ट करती हूँ कि कोई भी अगर घर पे आए तो दरवाजा ना खोले। पलकी, प्रीता जी, क्या हुआ तुम्हें एकदम से? प्रीता जी, आर्या की जान खतरे में है। लेकिन तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? हाँ प्रीता जी, वो मैंने अभी भी वरुण को किसी के साथ फोन में बात करते हुए सुन लिया। वो उस आदमी को कह रहा था कि आलिया को किडनैप करने के लिए, और शायद उस आदमी ने कहा होगा कि वहां पे पुलिस है तो वो किडनैप नहीं कर पाएगा। फिर वरुण ने उसे ब्लैकमेल करके उसको ऑर्डर किया कि आलिया को वहां से उठाने के लिए। प्रीता जी, उसके बाद से मैंने ना जाने कितनी बार आलिया का फोन में ट्राई किया लेकिन उसका फोन लग ही नहीं रहा है। मुझे बहुत टेंशन हो रही है, मुझे लग रहा है कि मुझे घर जाना होगा। आप यही रहिए, मैं जाके आलिया को संभालती हूँ, नहीं तो वरुण का आदमी उसे किडनैप कर लेगा। हाँ, इसका मतलब तो आलिया के पास जाना बहुत जरूरी है। मैं भी चलती हूँ तेरे साथ, चल। ठीक है, चलिए।